चलो बैठो। अरे अभी रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी ये नहीं पता ये रोड कितनी दूर तक खराब है। देखते हैं, पहली बार जा रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कितने दूर तक रोड आपको खराब मिलने वाला है। बहुत 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 ज़्यादा रोड खराब है ना, बहुत ज़्यादा। चलो फिर मैं थोड़े टाइम बाद आपसे मिलता हूँ, अभी रोड ज़्यादा खराब है। तो अभी सुबह के 8:30 बजने वाले हैं, तो हम लोग निकल चुके हैं। अभी यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर है सुनी चुका, इतना 40 किलोमीटर शायद है। चलिए फिर आगे मिलते हैं। महाराष्ट्र में एक चीज बहुत चलता है, मिसल पाव। वड़ा पाव भी है बट मिसल पाव भी बहुत चलता है, तो कहीं कहीं का मिसल पाव बहुत फेमस होता है, मज़ा आता है खाने में। अगर आपको मिसल पाव अच्छा लगता है तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो नासिक में भी मिसल पाव बहुत चलता है। एक कोई तो जगह है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर तो भीड़ लगती है, लाइन लगानी पड़ती है आपको मिसल पाव खाने के लिए। कोई तो है, मुझे कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या।
कहाँ पर दादा, मला नाही माहित। चलो फिर एक काम करते हैं, जब मन मतलब सनी सिंगापुर पहुंचने वाले होंगे उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? चलिए अभी, और थोड़ी बहुत अच्छी मिल गई है, इतना भी अच्छी नहीं है बट ठीक ठाक है। जो पहले रोड थी उससे तो ठीक ही है, अगर देखा जाए तो जो पहले की रोड है ना वो ज़्यादा ठीक, मतलब पहले की रोड ज़्यादा ख़राब थी उससे तो ज़्यादा ठीक है ये रोड। और अभी हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं बोल रहा आपको। तो पहले का रोड बिल्कुल बेकार था। अभी देखो राहुरी पहुँचे हैं, राहुरी कोई जगह है यहाँ पर, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और अहमदनगर 38 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, मतलब सनी सिंगापुर हम पहुँचने वाले हैं। ओ माय गॉड, ट्रैफिक है भाई, ट्रैफिक ट्रैफिक देखो ट्रैफिक। ट्रैफिक है भाई, ट्रैफिक है। हाँ क्या हुआ? उधर दर्शन करके फिर नाश्ता करेंगे, क्या बोलते हो? तो अभी कुछ खा के चले फिर, ठीक है? फिर आगे देखते हैं कहीं पे। हाँ जो मेरे साथ में वो बोल रहे हैं कहीं नाश्ता वास्ता करके चलते हैं फिर। और हमने बोला भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नाश्ता अगर ब्रेकफास्ट मिलता कहीं पर। वैसे हम लोग चाय पी चुके हैं तो थोड़ा सा सोच रहे हैं पेट पूजा भी कर लिया जाए। साला मतलब कहीं से भी किधर से भी घुस जाते हैं, इनको पता नहीं चलता, अगल बगल में लेफ्ट राइट में नहीं देखते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस घुस जाओ। फिर से रोड खराब है, बिल्कुल बेकार रोड आपको देखने को मिलेगी। माय गॉड, अहमदनगर अहमदनगर, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, MH-17 दिख रहा है, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। ज्ञानेश्वर उद्यान भाई साहब नहीं लगेगा। हो देखो भाई देखो अभी कितनी दूर है। हम लोग कहीं रुकेंगे, उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आपसे हम बात करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जिससे कि आपको वीडियोज मिलती रहे। चलिए मिलते हैं। यहाँ से सनी सिंगापुर दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, 23 किलोमीटर, मतलब वहाँ तक का हमारा अभी तक 23 किलोमीटर का राइड बचा हुआ है।
देखते हैं 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर अगर इस रोड के हिसाब से देखें तो हमको आधे घंटे तो कम से कम जाएंगे, आधे घंटे तो लगने वाले हैं अपने को। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधे घंटे लगेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग रिटर्न हो गए नासिक के लिए, नासिक के लिए वापस होंगे, क्योंकि हम लोगों का जो नासिक के लिए रिटर्न होंगे, फिर वहाँ से देखते हैं, एंजॉय करिए। वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। रोड जो है ना वो बहुत ही ज्यादा आई थिंक हम लोग अहमदनगर के काफी नजदीक है, अगर काफी नजदीक है अहमदनगर, क्योंकि यहाँ से अहमदनगर ज्यादा दूर तो नहीं है। एक मेरा फ्रेंड है अनिल करके नाम है, अहमदनगर का ही है, तो वो रहता है वहाँ पर। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मैं उधर जाऊँगा वो बंदा होगा कि नहीं होगा, ये भी थोड़ा देखने की बात है। तो उसके बाद फिर वो कहीं हो गया, वो कहीं तो भंडारधारा है, महाराष्ट्र में भंडारधारा एक जगह है, वो वहाँ पर गया होगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ब्रदर है, सिविल हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के अंडर में हॉस्पिटल्स आते हैं ना, उसमें ब्रदर है, तो उसका ट्रांसफ़र हुआ है। पहले नासिक में था, फिर नासिक से अहमदनगर गया, अहमदनगर से शायद वो भंडारधारा गया, मैं भी वो घर पे ना हो, क्योंकि एक हफ्ते पहले तक तो वो घर पे था और बोल रहा था 4-6 दिन में मैं निकल जाऊँगा, हो सकता है वो निकल गया। बाकी कोई बात नहीं, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अभी तो हम लोग सही सिंगापुर गए, सिटी जा रहे हैं, फिर मतलब इस तरह की वीडियोस, फिर उसके बाद और भी वीडियोस, मतलब हर टाइप की आपको वीडियोस जो है ना वो मिलती रहेंगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और एक बात और, अगर पिकअप से रिलेटेड किसी को इश्यू आ रहा है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, वो हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करवाया है और उनका इश्यू सॉल्व भी हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप महाराष्ट्र में अगर आप रहते हैं तो मैं ज़्यादा अच्छे से काम करा सकता हूँ आपका, लेकिन आउट ऑफ महाराष्ट्र के होंगे तो फिर थोड़ा सा मतलब उधर का सर्विस सेंटर वाले जैसे होंगे, तो उस हिसाब से आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। बाकी मैं तो आपको प्रॉब्लम्स बता सकता हूँ, आप वो जाकर के वहाँ बोल सकते हो, ये नहीं ये चीज़ आप चेक करो, वो चीज़ मैं करा सकता हूँ। अहमदनगर 29 किलोमीटर, चलिए फिर वीडियो करते हैं बंद और थोड़े टाइम बाद फिर मिलते हैं आपसे। अभी हम जहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ से अहमदनगर 13 किलोमीटर, औरंगाबाद 113 और पुणे 126 और शनि सिंगापुर होगा, मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ 5-7 किलोमीटर के आसपास और होगा यहाँ से,
ऐसा लग रहा है कल्याण 212 किलोमीटर, वाह क्या बात, इतना ज़्यादा। तो यहाँ पर वही 5-7 किलोमीटर के आसपास और डिस्टेंस है जो कि अपने को ट्रैवल करनी है। देखते हैं फिर क्या है, कितना टाइम लगता है और अपने को पूछना पड़ेगा किधर जाना है। वीर कल्याण MIDC शायद यही है, ये वाला रोड है कि कौन सा है, अहमदनगर बीड जलगांव। ए सर्च करो ना किधर जाना अपने को, एक बार देखो क्योंकि ये दो रोड है ना, अभी कौन सा वाला रोड है एक बार चेक करो। अभी हम चेक कर रहे हैं कि GPS में देखेंगे कि कौन सा वाला रोड है